नमस्कार दोस्तों, आज आपको रेड स्क्वायर की सैर करवाते हैं, जिसको क्रासनाय प्लोशाद भी बोलते हैं और नोन एज द क्रेमलिन के नाम से भी मशहूर है। आज मौसम अच्छा है, बहुत बरसात हो चुकी है और बादल साफ है, देख सकते हैं आप। ये चर्च है, और ये हम जा रहे हैं रेड स्क्वायर की तरफ। और ये राइट साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, रेड स्क्वायर का ये म्यूज़ियम है। अभी हम लेफ्ट टर्न करेंगे, ये बेच रहा है आइसक्रीम ठंडी ठंडी गर्मी के मौसम में। बट हम खाएंगे नहीं, हम अभी आपको सैर करवाएंगे इसकी, रेड स्क्वायर की। नीचे इन्होंने तारकोल नहीं, पत्थर लगा रखा है। सड़क नहीं है, नीचे पत्थर लगा हुआ है। ये जो बिल्डिंग है, ये म्यूजियम की बिल्डिंग है, रेड स्क्वायर के अंदर ही है ये। ये सब पत्थर लगा हुआ है, सड़क नहीं बनी हुई। वो सामने जो आप देख रहे हैं, चर्च है, बहुत पुराना। ये जो रेड स्क्वायर है ना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में 1990 में आया था। और इसकी रेड स्क्वायर की स्थापना हुई थी 15th सेंचुरी में। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये घूम की बिल्डिंग थी और ये चर्च है। ये घूम है जो लास्ट टाइम आपको दिखाया था हमने वीडियो में अंदर से। ये लग्जरी मॉल है, ये शॉपिंग मॉल है ये। ब्यूटीफुल, ओहो नीला नीला बादल है, बहुत ही सुंदर सुंदर। चर्च बहुत सुंदर बना हुआ है, इसलिए आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे। ये लेफ्ट साइड आपको दिखाया था, ये बिल्डिंग है म्यूजियम की। इतना सुंदर है, यहाँ से आगे जाने का मन नहीं कर रहा, बट आपको आगे की सैर करवानी है तो हमें आगे चलना होगा। तो अभी हम इस साइड से निकल के दूसरी साइड में जाते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं, ये मिट्टी का पहाड़ है, नकली। मिट्टी असली है, पहाड़ ये जो बनाया है नकली है, और ये पेड़ पौधे जो ऊपर लगे हुए हैं असली है। ये मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में खुल जाएगा, तो फिर अगर दोबारा आना हुआ तो आपको दोबारा दिखाएंगे ये जगह। ये जो राइट साइड में आप देखेंगे, ये जो सर्कल बना हुआ है ना, यहाँ पे इनकी मान्यता है कि यहाँ पे सिक्का उछालो और विश मांगो तो विश पूरी हो जाती है। सेंटर में खड़े होना है यहाँ पे और कॉइन ऊपर उछालना है तो विश मांगिए तो पूरी हो जाती है विश। ब्यूटीफुल, ग्रेट। बहुत ही सुंदर जगह है, देखने लायक है। ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ के मिट्टी के, ये इस पे स्कूल के बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों को नेचर के साथ जोड़ा जाता है, मिट्टी के साथ, पेड़ पौधों की वैल्यू के बारे में बताया जाता है। तो ये सब काम बच्चे कर रहे हैं स्कूल के। अभी हम वहाँ से आए थे, अभी इस साइड आ गए हैं। अभी आपको
आगे लेके जाएंगे जहाँ पे अमर ज्योति जलती रहती है, जैसे अपने इंडिया गार्ड इंडिया गेट में है वैसे ही यहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे। हेलो, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। ये जो है मिस्टर जोर्जी चुकोव, ये मिलिट्री कमांडर थे सेकेंड वर्ल्ड वार के। जोर्जी चुकोव मिलिट्री कमांडर सेकेंड वर्ल्ड वार के, उसका स्टैचू बना हुआ है ये। और ये बाहर का सीन आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके पास में एक पार्क बना हुआ है, फाउंटेन लगे हुए हैं बहुत अच्छे से। बरसात होने की वजह से कुछ चुनौती हो गई है, तो बच्चे यहाँ पे फाउंटेन के पास इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बड़े सब लोग इंजॉय की कोई अनुमति होती ना, जेंडर होता है इंजॉय का, जिसके मन में दिमाग में खुशी होती है तो खुश होती है। वेदर बहुत अच्छा है आज का, ये भाई से आइसक्रीम बेच रहे हैं, अभी हम आइसक्रीम ही खाएंगे क्योंकि बरसात हल्की हल्की शुरू हो गई है, आपको पूरा घुमा दें बिटवीन। ये तांबे के सब स्टैचू बने हुए हैं, ये भाई साहब कौन है अभी आगे जाके आपको दिखाएंगे, इनके बारे में बताएंगे। अभी ये पानी में खड़े हैं, गर्मी के मौसम में ठंड का मज़ा ले रहे हैं, गर्मी कम कर रहे हैं। अभी वो जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये सब क्रीम मिल की बिल्डिंग है, रेड स्क्वायर की बिल्डिंग है ये। रेड स्क्वायर के पास में ये पार्क बनी हुई है, वो दूसरा साइड आपको दिखाया था कुंभ बना हुआ है। ब्यूटीफुल कलाकारी है राइट। मॉस्को में फाउंटेन बहुत है, आपको हर 200-300 मीटर के बाद आई थिंक फाउंटेन मिल जाएगा, कहीं कहीं पे तो हर 100 मीटर के बाद है। ओहो, ये चिड़िया रानी को भी गर्मी लगी हुई है। ये कोई मैकडोनल्ड खा रहा था, उसके मेरे ख्याल से वो खाने आई है आई थिंक, क्या कहते हैं पोटैटोस, फ्रेंच फ्राइज को बोलते हैं।
आई थिंक नेवी पे कोई वॉरियर हैं, तो ये आपको पास में जाके दिखाएंगे अगर उधर से रास्ता हुआ निकलने का तो। राइट साइड में ये KFC रेस्टोरेंट है सर, हम उधर नहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट तो आपने बहुत देखे हैं, आपको ये ब्यूटी दिखा दे रेस्टोरेंट तो आप कहीं भी जाके देख सकते हो। ये फाउंटेन यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं, गर्म है तो फाउंटेन चलते रहते हैं, इंजॉय। आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, बरसात हुई थी अभी कुछ देर पहले। हम भी कुछ देर फाउंटेन के पास खड़े होते हैं, गर्मी हो रही है, कुछ ठंडक ले ली जाए। वो देखिए सूर्योदय का कितने चमक रहे हैं आज, विटामिन डी बस आ रही है। ओह अभी कुछ ठंडक आई है, पानी की कुछ फैलाए की बूंदे पड़ी हैं, कुछ ठंडक पड़ी। यहाँ से हिलने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि पानी पड़ रहा है तो हमको अच्छा लग रहा है। ऐसा बहन जी को अपना चश्मा ले गए हैं, भी ले ली जाए, वीडियो कैसा है, अच्छा लग रहा है किसी को तो बताइएगा, आपके लिए लेते आएंगे। काफ़ी देर से पड़ा हुआ है यहाँ पे, किसी ने लिया नहीं। ओह कितना अच्छा लग रहा है पानी की बूंदें गिर रही हैं, तब तक देखते हैं यहाँ पे बैठे। चलो हम तो नहीं तैर पाएंगे, बट ये चश्मा तो एंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड, कुछ ठंडक महसूस हो रही है, अभी आपको आगे लेके चलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं अमर जवान ज्योति, जो हमारे इंडिया गेट में जलती है शहीदों की याद में। अभी हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे पास में शहीदों की याद में, यहाँ पे भी अमर जवान ज्योति
यहाँ पे मालूम नहीं क्या कहते हैं, बट इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति के नाम से अभी चलते हैं शहीदों को प्रणाम करने के लिए। प्रणाम शहीदों को वो देख सकते हैं आप, जवानों की याद में अमर जवान ज्योति जल रही है। प्रणाम शहीदों को। तो हमारी आज की ये रेड स्क्वायर की रशिया के क्रासने प्रशाद की यात्रा यहीं पे समाप्त होती है।